एम ए उत्तरार्ध हिंदी के मेरे समस्त प्रिय विद्यार्थियों, एसएनकेपी के यूट्यूब में मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के यूट्यूब व्याख्यान में हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है रूप विज्ञान। रूप परिवर्तन के कारण जिनके अंतर्गत हम ध्वनि परिवर्तन को ले सकते हैं, स्पष्टता को ले सकते हैं, अज्ञान को ले सकते हैं, बल, आवश्यकता और नवीनता। इसके तत्पश्चात हम जिसके ऊपर चर्चा करेंगे वह है रूप परिवर्तन की दिशाएं व प्रकार। सबसे पहले है कि रूप परिवर्तन क्यों होता है, उसकी कौन कौन सी दिशाएं हैं, उसके कौन कौन से प्रकार माने जा सकते हैं। इनमें पुराने संबंध तत्व का लोप होना व नए का प्रयोग होना। दूसरा है सादृश्य के कारण नए संबंध तत्व के साथ नए रूप का होना। तीसरा है अतिरिक्त प्रत्यय का प्रयोग होना और चौथा है अतिरिक्त शब्द का प्रयोग होना। पांचवा है गलत प्रत्यय का प्रयोग हो जाना, इसके कारण भी रूप परिवर्तन हो जाता है। छठा है नया प्रत्यय और सातवां है कि आधा पुराना हो और आधा नया हो। कौन? प्रत्यय। प्रत्यय आधा पुराना हो और आधा नया हो तब भी रूप परिवर्तन संभव होता है। फिर आठवां है मूल में ही परिवर्तन हो जाए, ये रूप के मूल में ही परिवर्तन हो जाए। और नवां है मूल व प्रत्यय दोनों का ही परिवर्तन हो जाए। तो ये रूप परिवर्तन जो है या रूप विज्ञान जो है उस रूप परिवर्तन के जो कारण है और रूप परिवर्तन की जो दिशाएं और जो प्रकार है ये परीक्षा की दृष्टि से भी यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके ऊपर हम जो दो इसके जो रूप थे उनके ऊपर हमने पिछली कक्षाओं में आपसे चर्चा की, और यानी रूप परिवर्तन के जो कारण हैं जिनके अंतर्गत हमने नियमन के बारे में जाना और उसके तत्पश्चात हम बहुप्रयुक्त जो रूपों का जो प्रभाव है उसके बारे में हमने पिछले व्याख्यान में आपसे चर्चा की। इसके बाद हम आज आपसे चर्चा करेंगे ध्वनि परिवर्तन के बारे में कि ये ध्वनि परिवर्तन के कारण यहाँ रूप में परिवर्तन किस तरह से संभव होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके कारण भी शब्द रूप परिवर्तन होता है। ध्वनि परिवर्तन के कारण भी यहाँ रूप में परिवर्तन होता है और प्रयोग संयोगात्मक भाषाओं में ध्वनि परिवर्तन के कारण जब विभक्तियां परिवर्तित होते होते लुप्त हो जाती है तो उनके स्थान पर नई भाषिक इकाइयों का प्रयोग हमें करना पड़ता है और जिनके कारण नए रूप बन जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए संस्कृत के कारकीय रूपों के साथ यही हुआ, धीरे धीरे विभक्तियां घिसते घिसते लुप्त प्राय हो गई और अतः परसर्ग युक्त नए रूप का प्रयोग में नए रूप वहां प्रयोग में आए और रामह के स्थान पर राम ने और रामह के स्थान पर राम को या रामस्य के स्थान पर राम का जैसे नए रूप इसी के ही परिणाम माने जा सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे स्पष्टता की। यहां भाषा का जो प्रयोगता है अपनी कोई बात कहने के लिए ही भाषा का प्रयोग करता है कि भाषा का हर भाषा का जो प्रयोग करने वाला है भाषा का प्रयोग तो माना गया है और वो जो अपनी अपनी जब बात प्रस्तुत कर रहा है तो इसके लिए वह बिल्कुल भाषा का ही प्रयोग करना चाहेगा। इसलिए वह चाहता है कि उसकी अभिव्यक्ति अधिक से अधिक स्पष्ट रूप से हो, कहीं कोई अस्पष्टता उसकी अभिव्यक्ति में न रह जाए ताकि उसकी बात ठीक ढंग से कोई समझ सके या समझ पा सके। इसलिए जब भी किसी रूप में स्पष्टता का अभाव होता है तो नए नए रूपों का प्रयोग शुरू हो जाता है। ऐसे नए रूप जो पुराने की तुलना में अधिक स्पष्ट होते हैं। हिंदी उर्दू में फारसी के रूप चलते हैं और दर हकीकत दर असल इधर
जब से फारसी का प्रचार समाप्त सा हुआ है, दर में शब्द लोगों को अस्पष्ट हो गया है, और इसके बाद इसका परिणाम यह हुआ कि दर हकीकत, दर असल रूप भी अस्पष्ट हो गए हैं। इसमें परिणामतः जब नए रूप चल पड़े हैं तो दर हकीकत में, दर असल में ऐसे ही जो श्रेष्ठ शब्द का जो अर्थ है सबसे अच्छा, किंतु संस्कृत व्याकरण की जानकारी कम होने के कारण श्रेष्ठ शब्द अस्पष्ट हो गया और परिणामतः नए रूप उसके स्थान पर प्रयुक्त होने लग गए। सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठतम, ये नए शब्द रूप उसके अंतर्गत यहाँ प्रयोग में लिए जाने लग गए। इसके बाद में ध्वनि परिवर्तन, यानी इसके पहले, इससे पहले का प्रयोग तो मुझे महाभारत तक में भी मिल गया है, जैसे उत्तम से सर्वोत्तम, उत्तम से सर्वोत्तम शब्द रूप परिवर्तित हुआ, और उसमें भी यही बात देखने को मिलती है। ध्वनि परिवर्तन में यहाँ विभक्तियों के लुप्त होने पर भी अस्पष्टता का संकट उपस्थित हो गया है, और तब नए शब्दों की सहायता से नए रूप यहां बनाकर अभिव्यक्ति में अस्पष्टता लाई जाती है। हम, तुम, ये मूलतः बहुवचन है, किंतु आगे चलकर हम तुम का यो ही और ये वे ये का आदर के लिए एक वचन में प्रयोग होने लगा। इस प्रकार अस्पष्टता का प्रकट यहां संकट प्रकट हो गया। हम आ रहे हैं, तुम जाओ, और मैं, वे गए, ये सो रहे हैं, जैसे प्रयोगों को एक वचन का समझा जाए या बहुवचन का। इसी स्थिति में, इसी स्थिति से छुटकारा पाने के लिए बहुवचन में नए जो रूप हैं वो प्रयुक्त होने लगे। हम लोग, तुम लोग, ये लोग, इसके उदाहरण मान सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अज्ञान की। रूप परिवर्तन जो है वो अज्ञान के कारण भी यहां संभव होता है। अज्ञान के कारण रूप परिवर्तन किस तरह से संभव होगा कि कुछ अस्पष्टताएं अज्ञान के ही कारण होती है, अतः ऐसी अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए जो नए रूप आते हैं उनके पीछे अज्ञान भी एक कारण के रूप में अवश्य ही काम करता है। यहां दरअसल, दर हकीकत, श्रेष्ठ जैसे रूप उन्हीं लोगों के लिए अस्पष्ट रहे होंगे जिन्हें फारसी और संस्कृत का ज्ञान नहीं रहा होगा, जैसे अर्थात हम लोग, तुम लोग, ये लोग जैसे रूपों की बात छोड़ दें तो निश्चय ही अज्ञान एक कारण के रूप में अस्पष्टता के साथ साथ रूप परिवर्तन में काम करता है। यहां जेवरात, जवाहरात, कागजात बहुवचन है, लेकिन किंतु जिन्हें उनका पता नहीं है ये बहुवचन के नए रूप जेवरात, जवाहरात या कागजातों का प्रयोग करते रहते हैं। बेफजूल, यानी फजूल के स्थान पर प्रयोग कुछ अशिक्षितों तक ही सीमित है। यहां इसके पीछे भी अज्ञात कारण, अज्ञान कारण हो सकता है, और कुछ लोगों के द्वारा प्रयुक्त मुख्यतः पिछली सदी में, जैसे कृष्णताई, कोमलताई, पांडित्यता भी अज्ञान के कारण ही जो शब्दों के जो रूप परिवर्तित हुए हैं वो माने जा सकते हैं। इसके बाद में इनका प्रयोग कृष्णता, तो कृपणता, कोमलता और पांडित्य के स्थान पर होने लग गया है। आज आश्चर्य है कि तुलनात्मक ने कोमलताई का प्रयोग किया है। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, ये पूजनीय और संदर्भता या जिसको हम अन्य और शब्द के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जैसे सौंदर्य शब्द है और उस सौंदर्य का प्रयोग रूप परिवर्तन के कारण क्या शब्द बन गया है, सौंदर्यता। अब अगला जो रूप है वह है बल। प्रिय विद्यार्थियों, बल के कारण भी यहां रूप परिवर्तन संभव होता है, और वो किस तरह से होता है,
कि बल देने के प्रयास में भी भाषा का प्रयोग नए रूपों को जन्म देता है। वो कैसे देता है कि अनेक के स्थान पर अनेकों, खालिस के स्थान पर निखालिस, खाकर के स्थान पर खाकर के, मैं खाकर के आया हूं, जैसे मैं खाकर आया हूं नहीं, मैं खाकर के आया हूं, के और जुड़ गया उसमें, तो ये बल के कारण ऐसा संभव हो रहा है। बल के ही यहां परिणाम माने जा सकते हैं, उदाहरण माने जा सकते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे आवश्यकता की। आवश्यकता, प्रिय विद्यार्थियों, जैसा हम कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ठीक उसी तरह से भाषा के अंतर्गत भी यहाँ जो रूप परिवर्तन होते हैं, उन रूप परिवर्तनों में यहाँ कई शब्द ऐसे हैं जो यहाँ आवश्यकता, यहाँ आविष्कार को जन्म देती है, और इसीलिए उन नए शब्दों का जो जन्म है वो वहाँ पर संभव हो पाता है। यहाँ आवश्यकता होने पर भी कभी कभी रूप में परिवर्तन कर लेते हैं, यद्यपि बहुत ही ये कम मिलता है, लेकिन हिंदी में मैं का बहुवचन हम, क्या हम लोग होता है, और मैंने अपनी एक कविता में मैं का बहुवचन मेओ बनाया है। मेओ, जैसे मैं का बहुवचन मेओ, बहुवचन क्या बनाया गया है उसका, मेओ। क्योंकि वहां अपनी बात में हम अथवा हम लोग से नहीं व्यक्त कर पा रहा था, और चार मेओ के नीचे दबी है मेरी लाश, तो मे का अर्थ है मेओ। तो ये आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और यहाँ जब मे से मेओ शब्द का जब निर्माण हो गया तो वहाँ भी इसको हम आवश्यकता के कारण यहाँ रूप में परिवर्तन वाली अवस्था मान सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है नवीनता। साहित्यकार कभी कभी केवल नवीनता के लिए भी नए रूप बना लेते हैं, जैसे प्रभावशाली के स्थान पर प्रभावी का प्रयोग इसी प्रकार का उदाहरण माना जा सकता है, और इसके बाद में स्वीकार किया के स्थान पर स्वीकारा, या फिल्म बनाया के स्थान पर फिल्म बनाया उसके स्थान पर फिल्म आया। जैसे रूप सामान्य दृष्टि से रूप परिवर्तन के नहीं है, किंतु दो रूपों के स्थान पर एक रूप होने के कारण परिवर्तन के अंतर्गत यहाँ रखे जा सकते हैं। इसमें इधर नए कवियों ने इस प्रकार के सैकड़ों प्रयोग भी किए हैं, जैसे नोटा, अतियाया, लतियाया, गरियाया, जुतियाया और बकियाया, या ढकियाया, ये ऐसे शब्द माने जा सकते हैं। कुछ रूपों में लोप के नए रूप उनका स्थान ले लेते हैं, जैसे इस प्रकार प्रतिस्थापन रूप में रूप परिवर्तन हो जाता है। संस्कृत में या धातु का भूतकालिक वृदंत का रूप था यात, और हिंदी में या का जाता हुआ, किंतु यात से विकसित रूप लुप्त हो गया, अतः जाना का भूतकालिक कृदंती रूप बन गया, मान लिया गया। ये जो वस्तुतः गम धातु के भूतकालिक कृदंती रूप गत से यहां विकसित रूप माना जा सकता है। इसी प्रकार अंग्रेजी में गो का वेंट है, जो मूलतः वेंड का भूतकाल है, और हिंदी में तत्सम शब्द इंद्रिय हैं, जिनका मूल रूप बहुवचन इंद्रिय करेगा, इंद्रिय बनेगा, और मध्यकाल में इंद्री शब्द चलता था, जिसका मूल रूप बहुवचन इंद्रियों बनता था। जब इंद्रियों का लोप हो गया और इंद्रियों को ही इंद्रिय का मूल रूप बहुवचन मान लिया गया, तो ये जो वस्तुतः है नहीं, न नियम अनुसार हो सकता है, ये भी यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है। इसके बाद में हम चर्चा कर रहे हैं रूप परिवर्तन की कौन कौन सी दिशाएं हैं, और रूप परिवर्तन की उन दिशाओं या उनके जो प्रकार है, उन प्रकारों में हम किस किस के कारण यहाँ रूप परिवर्तन की जो निम्नलिखित जो दिशाएं हैं, जिनके अंतर्गत या जिनके कारण रूप में परिवर्तन संभव होता है, उनके ऊपर अब हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे, और इसके ऊपर हम अगले व्याख्यान में आपसे विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा करेंगे। बस आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।